नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां मंदिरों और घरों में भगवान गणेश विराजमान हो गए हैं। मंदिरों में एक दिन पहले से ही विशेष तौर पर सजावट हो गई थी। वहीं गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई है और मंदिर में गुरुकुल के छात्रों और आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की है। भगवान गणेश की 6 फीट की मूर्ति की स्थापना की गई है। मनाते हैं गणेश जी का, गणेश चतुर्थी मनाते जाते हैं। हमने धर्मपाल किरण जी और अपना अनुज गर्ग जो है उनके द्वारा हर साल प्रथम पूजा होता है। आज गणेश जो है वो चतुर्थी है, तो उनका पूजन और 101 किलो का लड्डू का भोग लगाया है। और अभी प्रातः काल से ही पूजा जो है 11:50 से यहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हम लोग यहाँ हमेशा से दूधेश्वर मंदिर में गणपति महोत्सव पिछले 25 वर्षों से मना रहे हैं। गणेश जी का तो विनायक चतुर्थी है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंदिरों से लेकर घर पर पंडाल और दरबार सज गए हैं, जहां गणेश जी विराजमान होंगे और भगवान गणेश के उत्सव को लेकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। गोमती बिल्डर्स के मालिक विजय वर्मा ने बताया कि शहर में दर्जन भर से अधिक पंडालों में गणेश विराजमान होंगे। अधिक से अधिक शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और 29 सितम्बर को महाआरती विसर्जन किया जाएगा। इस वर्ष गणेश जी के पूजन के लिए बहुत ही दिव्य और सुंदर पंडालों की तैयारियां लोग आरंभ कर चुके हैं और देखने में ये आया है कि इस वर्ष लोग ज़्यादा उत्साहित हैं पिछले वर्ष के अपेक्षा। अभी से ही पंडालों की सजावट शुरू हो गई है। गणेश जी को आने में अभी 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन लोगों ने पूरी जोश के साथ तैयारियां शुरू की हैं। आप यहां भी देख रहे हैं, पंडाल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कल तक लगभग सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। सुल्तानपुर में पिछले साल से हमने शुरुआत की इस चीज़ को और अभी धीरे धीरे करके इसका और बढ़ रहा है कि सब लोग गणपति रख रहे हैं अपने यहाँ पर। और गणपति को सुल्तानपुर परिवार में लाने के लिए मेरी इच्छा थी कि हमेशा से मैं गणपति सुल्तानपुर परिवार में लेकर आऊँ, सब लोग सुल्तानपुर के वासी यहाँ पर शामिल हों और अपनी दर्शन करें और आरती। अब खबर मेरठ से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल यहां बीते दिनों एक निजी दुकान पर खाना खाने के बाद पिता पुत्र की तबीयत खराब हो गई थी। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब फूड डिपार्टमेंट ने मामले में कार्रवाई करते हुए खाने की दुकान से सैंपल इकट्ठा करके जाँच के लिए भेज दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मशहूर दुकान पिंकी छोले भंडार की खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें एक परिवार ने शिकायत की थी कि यहाँ के छोले भटूरे और रसगुल्ले खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट होना पड़ा और इसकी शिकायत खाद्य विभाग से भी की गई। खाद्य विभाग के DO दीपक सिंह हमारे साथ में मौजूद है। आखिर इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पिंकी छोले भंडार पर एक बड़ा आरोप लगा है कि वहाँ का खाना खाने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। निश्चित है, जब शिकायत हमारे पास आई तो हमने शिकायत का तत्काल संज्ञान में लिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम हमने जांच के लिए भेज दी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पहुंचे। उन्होंने द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया और जिसकी शिकायत थी शिकायतकर्ता से भी संपर्क किया गया मौके पर। और इसके बाद शिकायत की जो विषय वस्तु थी कि विशेषतः छोले की शिकायत और रसगुल्ले की शिकायत की गई थी, जिसका हमने नमूना संग्रहित कराया। हमारी टीम द्वारा नमूना संग्रहित किया गया और उसे लैब प्रेषित कर दिया गया है और लैब से जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी हम अग्रिम कार्रवाई उस पर करेंगे। क्या सर, समय समय पर ये छापेमारी लगातार चलती रहती है या फिर शिकायत करने के बाद ही फूड विभाग जागता है? लगातार हम, चूंकि हमारे यहाँ इस समय 18 खास सुरक्षा अधिकारी हैं जो अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हैं और लगातार इंस्पेक्शन करते रहते हैं और जहाँ भी हमको शिकायत मिलती है उसके आधार पर भी कार्रवाई करते हैं या खास सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान अगर संदेह होता है कि नहीं इसमें कोई मिलावटी वस्तु है तो निश्चित है उसके आधार पर भी नमूना संग्रहित कराया जाता है। लेकिन सर, गंगानगर की बात की जाए तो गुंजन शर्मा, देखा जाए तो कई बार ये शिकायतें आई हैं हमारे पास भी कि लगातार छापेमारी जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो गंगानगर में नहीं होती है। गुंजन शर्मा को जिस तरीके की भी शिकायतें आ रही है, अब इस तरह की कोई शिकायतें होती है? चूंकि अभी वो जस्ट अभी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, उनका ट्रांसफर आगरा से यहाँ हुआ है और
हम ये स्पष्ट रूप से निर्देश भी दे देंगे कि अगर वो इंस्पेक्शन या कुछ इस तरह का नहीं कर रहे हैं तो लगातार वो इंस्पेक्शन करें, और जहां भी उनको लगता है कि नहीं ये मिलावटी वस्तुएं हैं वो उनका नमूना संग्रहित कराएं। और हम चूंकि विशेषतः हमारे अगर ज़्यादा शिकायत रहती है, किसी की शिकायत है, तो हम तो टीम बनाकर ही जाँच करवाते हैं। और चूंकि खास सुरक्षा अधिकारियों का रोल है कि वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें और लगातार खाद प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते रहें, और उनके द्वारा किया भी जाता है, वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं और उनका इंस्पेक्शन रूटीन में लगातार चलता रहता है। पिंकी छोले भंडार का जो सैंपल लिया गया है सर, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? लगभग रिपोर्ट एक माह के बाद ही आ जाती है, और एक माह में जैसे ही रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट का जैसा भी ओपिनियन होगा उसके आधार पर हम अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे साथ में फूड विभाग के थे दीपक सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिकायत के बाद में सैंपल पिंकी छोले भंडार के यहाँ से ले लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने फूड इंस्पेक्टरों के लिए भी कहा है कि लगातार वो अपने फील्ड में जाकर छानबीन करें और सैंपलिंग लेकर उन्हें जांच के लिए भेजें। ऐसे में देखना ये होगा कि फूड इंस्पेक्टर आखिर कब तक जाग पाते हैं और कब तक सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां सोलर एक्सेस एनर्जी कंपनी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12वीं पास एक साइबर अपराधी ने कंपनी की वेबसाइट से डाटा को कैप्चर कर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। साइबर जालसाज लाखों का सामान मंगाकर सिर्फ 1 रुपए पेमेंट करते थे और 3 बार में लाखों रुपए का माल मंगाकर महज 3 रुपए पेमेंट किया था। दरअसल कंपनी के फाइनल पेमेंट शीट के बनने में 1 सप्ताह का समय लगता था, जिसका फायदा साइबर ठगों ने उठाया और इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 यूट्यूबलर बैटरी, सोलर पीसीयू और 2 सोलर उपकरण बरामद किए हैं और 1 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में एक नेक्सस सोलर एनर्जी नाम की कंपनी है, जिसका कि काम सोलर पैनल्स और उससे संबंधित उपकरण बनाने का है। इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें यह बताया गया कि इन्होंने इनके वेबसाइट पर कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर की डिलीवरी भी हो गई, बट उस ऑर्डर का जो कुल पेमेंट था, जो अमाउंट था, जो लगभग 3 ट्रांजैक्शन मिला करके 5 लाख रुपये का था, उसके बनिस्बत पेमेंट इनके पास मात्र 3 रुपये यानी 1 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से पैसे आए थे। इस शिकायत के आधार पर जनपद की साइबर सेल की टीम को लगाया गया था और थाना ककोड़ में मुकदमा की विवेचना चल रही थी, जिसके क्रम में आज इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां बीते दिनों यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन और आईबीबीएफ के खिलाफ सहारनपुर के हकीकत नगर में धरना स्थल पर कुछ लोगों द्वारा धरना देकर पुतला दहन किया गया था, जिसके बाद मंगलवार को यूपीबीबीएफए और आईबीबीएफ के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर पूरे मामले में अपना पक्ष रखा। संस्था के महासचिव विश्वास राव ने वर्चुअली प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीबीबीएफए संस्था ने गत 20 वर्षों से खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार कार्यरत है। उन्होंने कहा कि जिनका संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है, और मौके पर यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के सचिव और जिम संचालक सुहेल राणा ने कहा कि हमारी संस्थाएं उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के साथ जुड़ी हैं और संस्था में देश विदेश में प्रतियोगिता खेले खिलाड़ी यूपी कई महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत है। ठीक है, संस्था ने जितने खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब दी है, संस्था ने जितने खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दी है, संस्था से खेल कर जितने खिलाड़ी आज अलग अलग कंपनीज में रिक्रूट हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? संस्था सपोर्ट कर रही है, भ्रष्टाचार की कोई ऐसी बात नहीं है। कोई एक एग्जांपल वो बताएं कि उन लोगों ने किसी एक खिलाड़ी को सपोर्ट किया हो, उसे स्पॉन्सर किया हो, उसे कोई सरकारी जॉब दिलाई हो, किसी प्राइवेट कंपनी में ही जॉब दिलाई हो, किसी खिलाड़ी को कोई इंटरनेशनल खेलने जा रहा है उसे क्या सपोर्ट करी है? और हमारे पास तो ऐसे 1000 एग्जाम्पल्स हैं, हमारे इंडिया के क्या, हमारे एशिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर पूरे वर्ल्ड में, हमारे जावेद भाई का नाम है, ये रेलवे में रिक्रूट है, इसी संस्था से खेलते हैं। हमारे लेजेंड प्लेयर, इंडिया में इतने बड़े टाइटल्स आज तक किसी के पास नहीं है जो हमारे भूपेंद्र भैया के पास है, ये इस संस्था के साथ हैं। तो क्या इन सब लोग, संजना हमारे बीच खड़ी है, कस्टम में रिक्रूट है,
ये संसद है, राहु बिलाल कस्टम में रिक्रूट है, ये संसद है, और यहाँ पे जितने आप देखेंगे कम से कम 10-15 नेशनल एथलीट हैं, इंटरनेशनल एथलीट खड़े हैं। ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, सरकारी गवर्नमेंट की जितने भी हमारी संस्थाएँ हैं वो बेवकूफ़ है, बिना कुछ इंक्वायरी किए वो किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए वैसे तो ये राजनीतिक मामला है तो इसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और जहाँ तक मुझे पता कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन जो है उसी को गवर्नमेंट से जितना भी रिकॉग्निशन है उसी को, और उसके साथ ही यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस जो एसोसिएशन है वो जुड़ी हुई है और सहारनपुर यूनिट उससे जुड़ी हुई है। तो कायदे में तो देखो जो जितना भी रिकॉग्निशन है जो सरकार की तरफ से है वो इसी यूनिट से, वो किसी और यूनिट को है। अब देखो कोई भी अपनी बात रख सकता है, कोई भी बोल सकता है, कॉन्टेस्ट तो प्राइवेट लेवल पे कोई भी करा सकता है, कोई कोई उसमें मनाएगी। खबर औरैया से है जहां 15 तारीख से गायब युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल मृतक किराए पर ऑटो चलाता था और ऑटो को बुकिंग पर लेके गया था जिसके बाद से वो गायब था। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया और बुकिंग करने वाले अजय नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर अजय ने घटना का खुलासा किया और बताया कि ऑटो लूट कर और घटना खुलने के डर से हमने ऋषु की हत्या की और शव को जंगल में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने अजय और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली पे संतोष कुमार दोहरे के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनका बेटा ऋषु बाबू जो 27 वर्ष का था रात में ऑटो चलाता था और दिन में जो है बच्चों को कई अलग अलग पढ़ाता था, कोचिंग ट्यूशन, वो 15/9/23 को कुछ लोगों के साथ एक ऑटो जो बुक करके ले गए थे उसका कहीं बेला की तरफ गया और अब तक लौटा नहीं है। तो इस सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई थी। जो गुमशुदा ऋषु बाबू है उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया था। सर्विलांस के माध्यम से जो नंबर प्रकाश में आए उससे 3 अभियुक्त चिन्हित किए गए थे जिन्हें थानाध्यक्ष कोतवाली के द्वारा उनको पकड़ा, उनके साथ पूछताछ की गई। उन्होंने ये घटना बताई कि ये लोग हलवाई का काम करने के नाम से अजय कुमार पुत्र विजय सिंह ये सत्येश्वर मोहल्ला थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम राजा भी है, इसने अपने दो साथी शिवम पुत्र राजकुमार जो भी सत्येश्वर का कोतवाली का रहने वाला है और विकास सक्सेना। खबर गोंडा के थाना कौड़िया बाजार का है जहां दबंगों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कौड़िया बाजार में रहने वाला एक परिवार दबंगों के डर से अपने ही घर में कैद होकर रह रहा है। दबंगों ने बिना कारण दो युवक की पिटाई कर दी और पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों के तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और दबंग पीड़ित का घर गिराने की बात भी कह रहे हैं और पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत भी की है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना गए हम कहें सर कागज ले लीजिए और हमारा ऐसा ऐसा हाल हुआ है, तो कहें कि आज कजरती है कल हम जो है देखेंगे। हम कहें ठीक है, अब अतरे जून 2-3 बजे वाला है, कोनो हमारा सुनवाई नहीं, ना कोनो बात ना चीत, कोनो मसला नहीं हुआ है। तो आपने थाने पे तहरीर दी? हाँ, थाने पर तहरीर दिया। कार्रवाई हुई? कोई नहीं कार्रवाई भाई, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हम जो है हम किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें नाजायज परेशान करें तो हम क्या करेंगे। खबर गाजियाबाद के नंदग्राम से है जहां दो बच्चे हिंडन नदी में डूब गए और सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस की टीम और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को डूबने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन देर तक बच्चों का कुछ अता पता नहीं चला। वहीं लापता बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवम जिसकी उम्र 13 साल है उसके पिता और ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि वह ज्ञानदीप स्कूल का छात्र है। 2 महीने की फीस जमा ना होने के कारण कल सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो स्कूल से निकाल दिया गया और वह स्कूल से घर ना जाकर अपने दोस्त के साथ नदी पर आ गया और उसमें डूब गया। इस संबंध में एसीपी रवि कुमार ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। जैसा की 2 बच्चे थे और ये खेलने और तैरने आए थे और इसी क्रम में डूब गए, इसी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कल से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। सर परिजनों का यह भी आरोप है कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनकी 2 माह की फीस जमा नहीं हुई थी और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था,
वो सीधा घर नहीं गए थे, यहाँ आए। अगर वो घर जाते तो शायद आज ये घटना न होती। सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।